हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन क्लास 8, चैप्टर नंबर 10, नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 10। सो मूव ऑन दी चैप्टर। चैप्टर आपका गिवन है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो, सबसे पहले चैप्टर में गिवन है आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन दिस सेंटेंस। ये क्या है, एक एक्सरसाइज गिवन है। अब हमें पता ही नहीं है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो एक्सरसाइज तो हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को हम स्किप करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है। तो देखो, जो वर्ब होती है वो क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जो कि टेंस और पर्सन, जैसे पर्सन सब्जेक्ट जो हमारा होता है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर। अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल गिवन है देन हम वर्ब भी कैसे लगाते हैं, प्लूरल। तो वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर लिखा होगा यू हैव लर्न दैट देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब देखते हैं। चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वही बात है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आप कैसे लगाते हो, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन आप वर्ब भी वहां कैसे लगाते हैं, प्लूरल। एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और जो भी टेंस आपका गिवन है आप उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट गिवन है देन आप प्रेजेंट की वर्ब लगाते हो, पास्ट है तो पास्ट एंड फ्यूचर है तो फ्यूचर। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप नॉन फाइनाइट वर्ब को भी क्या कर दोगे, सिंगुलर, ऐसा नहीं होता है। एंड डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और ये टेंस पे भी डिपेंड नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने से पहले आप सबसे पहले देखो, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। वर्ब देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा कि वर्ब होती है थ्री टाइप की। वर्ब की V1 फॉर्म एंड V2 फॉर्म एंड V3 फॉर्म सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे V4 एंड V5 की भी। क्लियर, समझते जाइए क्या होता है। देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, सपोज मैं एक वर्ब लेती हूँ, कौन सी, प्ले लेते हैं। तो जो वर्ब फर्स्ट होता है वो क्या होगा, प्ले, सभी को पता है। सेकेंड होगा प्लेड। एंड जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, प्लेड ही होगी। क्लियर, अब देखो फोर्थ फॉर्म जो होती है V4 वो क्या होगी, प्लेइंग। अगर मैं प्ले में ING लगा दूंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेइंग। एंड अगर मैं प्ले में S या ES लगा दू तो इसका क्या बनेगा, प्लेज। तो वो क्या होगी, वर्ब की V5 फॉर्म। इतना आप अभी याद रखिएगा, जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से क्लियर समझ जाएंगे कि किस तरह वर्ब को पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब जैसे प्ले हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड हुई सेकेंड, एंड थर्ड इज ऑल्सो प्लेड, फोर्थ इज प्लेइंग एंड फिफ्थ इज प्लेज। तो यहाँ पर ये जो प्लेड है V3 एंड जो प्लेइंग है V4, अगर ये दोनों हमारे सब्जेक्ट में किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है तो ये क्या कहलाती है, पार्टिसिपल। क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, हमारा एक जो नेक्स्ट पेज है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है देखो, यहाँ पर गिवन है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ गिवन है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो थ्री टाइप की होती है। कौन कौन सी, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। क्या क्या होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। तो सबसे पहले चलो हम इन्फिनिटिव को समझते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, किस फॉर्म में मिलेगा आपको, 2+V1। इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है लेकिन वो वर्ब की तरह रिएक्ट ना करके किसकी तरह बिहेव करेगा, नाउन की तरह। वो सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव करेगा, नाउन की तरह। वैसे हमें दिखेगी V1 लेकिन हम उसे V1 ना बोलकर क्या बोलेंगे, दिस इज नाउन। क्लियर,
कैसे होगा वो हम आगे जब सेंटेंस करेंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस पेज पर V1, V2, V3, V4 एंड V5, यहाँ हम समझते हैं जीरंड एंड पार्टिसिपल को। क्लियर? देखो फिर से मैं लिख लेती हूँ, प्ले, सेकेंड वन इज प्लेड, थर्ड इज ऑल्सो प्लेड, फिफ्थ इज प्लेइंग एंड फोर्थ इज प्लेज। क्लियर? अब हमें इन दोनों वर्ब को ही हम लेके चलते हैं। तो देखो ये जो B4 है, ये B4 जो है ये प्लेइंग, जो अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी दिखती है लेकिन ये बिहेव किसके जैसे करती है, जो प्लेइंग वर्ब है ये एक्ट किसके जैसे करेगी, नाउन के जैसे। अगर ये नाउन के जैसे एक्ट करती है तब तो ये क्या होगा, जेरन। क्या होगी ये, जेरन। अगर ये दोनों वर्ब सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है देन ये जो B3 होगी ये तो क्या होगा आपका, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा आपका, पास्ट पार्टिसिपल। एंड B4 जो होगी ये भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी देन ये क्या कहलाएगी आपकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये तीन चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई है। देखो इन्फिनिटिव क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले लेकिन वो सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव करे, नाउन की तरह, देन दिस इज इन्फिनिटिव। सेकेंड बताया मैंने जेरंड, जो कि क्या होता है अगर वर्ब की जो B4 फॉर्म है ING अगर सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करती है देन वो क्या कहलाती है, जेरंड। क्लियर? अगर B3 एंड B4 सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं देन जो B3 होती है ये तो होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल एंड जो B4 फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है सभी को? अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा या फिर इसकी क्या पहचान है कि किस तरह सेंटेंस में हम इसको पहचानेंगे कि यहाँ पर 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगना है, वो अब पढ़ते हैं वन बाय वन करके। देखो द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या होती है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब जो होता है, जैसे अगर मैं इस प्ले की बात करूं तो इसका बेस फॉर्म क्या है, प्ले। तो यहां पर भी बेस फॉर्म क्या लगेगा, V1 प्रिसीडेड बाय 2। किसके साथ में आता है, 2 के साथ में। अगर आपके किसी भी वर्ब की V1 फॉर्म 2 के साथ में आती है तो वो आपका क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। लेकिन वो बिहेव किसके जैसे करेगा, नाउन के जैसे। अब दिक्कत ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे सेंटेंस को पढ़ते हैं, फर्स्ट है आई वॉन्ट टू मीट हिम। आई वॉन्ट, इट मीन्स यहाँ पर लिखा है वॉन्ट, मतलब मैं चाहता हूँ। तो हम इस वॉन्ट जो वर्ब है इससे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सपोज आपने बोला आई वॉन्ट, तो मैं आपसे यही तो पूछूंगी कि वॉट यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हो। तो वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर आपको रिप्लाई किसका मिले, वॉट का। क्या मिले, वॉट। किसका आंसर मिला आपको, वॉट का। या फिर आपको मिले हु, या फिर आपको मिले हुम। सेंटेंस में जो वर्ब गिवन है उससे अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो एंड रिप्लाई आपको मिलता है व्हाट का, हु का एंड हुम का, तो वहां आपको क्या मिलेगा, नाउन का आंसर। ये किसका, व्हाट, हु और हुम का जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, नाउन। तो देखो यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट, तो हम पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं, तो वो बोल रहा है टू मीट हिम, उससे मिलना। टू मीट, तो यहाँ पर ये जो टू मीट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह पर तरह से। एंड हिम क्या हुआ, हिम भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ये जो नाउन होता है ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखते हैं, शी लाइक्स, शी लाइक्स। अब आप बोलोगे मैम शी लाइक्स, शी लाइक्स, तो मैं बोलूंगी व्हाट, व्हाट शी लाइक्स। तो क्या वो पसंद करती है, टू सिंग, इट मीन्स वो गाना पसंद करती है। तो टू सिंग क्या हुआ, नाउन हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। थर्ड देखते हैं, वी हैव टू गो नाउ। यहाँ पर बोला वी हैव, हमें पड़ेगा, इसका मतलब है हमें पड़ेगा। तो हम बोलेंगे क्या, तो वो बोल रहा है टू गो, जाना पड़ेगा, नाउ मीन्स अभी, टू गो। तो टू गो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। तो क्या हुआ, नाउन हुआ। क्लियर? सेकेंड देखते हैं, आफ्टर सर्टेन वर्ब। कुछ वर्ब ऐसी होती है, कौन कौन सी, देखो फील, हियर, हेल्प, लेट, मेक, सी एंड वॉच।
कुछ इनको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारी आंख होती है, कान होते हैं, तो देखो आंखें हमारे क्या काम करती है, सी एंड वॉच करने का, एंड हियर करने का काम कौन करते हैं, हमारे ईयर, फील कौन करता है, हमारी स्किन। तो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उन सब के बाद कुछ वर्ब और गिवन है, जैसे हेल्प, लेट, मेक। इन सभी के बाद क्या आता है, द इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू। इन्फिनिटिव तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके बाद टू नहीं आता, उससे पहले टू नहीं आता है। सच अ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ वियर इन्फिनिटिव। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ ना आकर अकेले ही सेंटेंस में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियर इन्फिनिटिव। क्लियर है? लेकिन बिहेव किसकी तरह करेगी, नाउन की तरह। अब वो नाउन की तरह बिहेव कैसे कर रही है वो हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वर्ब हमें व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई देती है देन वो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन इस इनमें क्या है, आपको डायरेक्ट इन वर्ब को देख के ही क्या लगाना है, टू नहीं लगा के केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर गिवन है लेट, लेट द बॉय स्पीक। तो लेट आपको गिवन है, तो ये क्या मिलेगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्पीक। दे वॉच्ड, वॉच मिला आपको, द स्नेक क्लाइम द बॉल। टू क्लाइम नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल क्लाइम। क्लियर? वी हर्ड, हर्ड मिला हमको वर्ब, तो क्या लिखेंगे, हर्ड सिंग। सिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। हेल्प मी, अब हेल्प भी क्या है, इन्हीं वर्ब में से गिवन है आपको, तो उसके बाद भी क्या है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि टू के साथ नहीं है, तो ये क्या क्या लाएगा, वेयर इन्फिनिटिव। ये किसकी तरह बिहेव करेगा सेंटेंस में, नाउन की तरह। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपके बुक में एक चैप्टर गिवन है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कुड, मस्ट, नीड, डेयर। एक होती है ऑट टू, क्या होती है, ऑट टू, ये भी क्या होती है, वर्ब, मॉडल वर्ब भी होती है। तो इन सभी के बाद तो क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको सेंटेंस में देखना है, देखो शैल गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है स्पीक, ये यहाँ पर नाउन की तरह रिएक्ट नहीं कर रही है, ये केवल वर्ब की ही तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, मॉडल वर्ब का कंसेप्ट है। जितनी भी मॉडल वर्ब है सभी के बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शैल हुआ, मस्ट हुआ, नीड, डेयर, इन सभी के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक, स्पीक, गो एंड रिफ्यूज। क्लियर? अब देखो आफ्टर सम प्रपोजिशन। देखो एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन गिवन है, सपोज टू ही गिवन है, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन, क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या गिवन है, आफ्टर सम प्रपोजिशन कौन कौन से, एक्सेप्ट, वर्ट, बट, सेव एंड देन। इन सभी के बाद भी क्या आता है, हमेशा वेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज यूज्ड विदाउट टू, इट मींस बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वो क्या होगी, होगी वो नाउन ही, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेयर इन्फिनिटिव। तो इस सेंटेंस में आपके बट गिवन है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, एंड इट इज बिहेविंग लाइक अ नाउन, तो ये क्या हुआ, वेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पर है एक्सेप्ट, तो ये क्राई भी जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बिहेव किसके जैसे कर रहा है, नाउन के जैसे। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं इन फंक्शंस को, जो मैंने आपको बताया था वही गिवन है। देखो द इन्फिनिटिव कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। देखो इन्फिनिटिव जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव, ये क्या कह रहा है कि ये आपके सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव करता है, नाउन की तरह। तो नाउन आपके सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको सेंटेंस में सबसे पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, इट मीन्स नाउन की तरह। तो यही बोला है कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वर्ब से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें जो रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु और हुम का, तो वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। और क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। देखो प्रपोजिशन के बाद जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की जगह आपके पास इन्फिनिटिव भी आ सकता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्लियर है? तो फर्स्ट में आपके टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन की जैसे गिवन है सब्जेक्ट के प्लेस पर। सेकंड देखते हैं जैकॉब लव्स, तो हम पूछेंगे व्हाट जैकॉब लव्स, व्हाट का आंसर मिला, टू स्लीप। तो ये क्या हो गया, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया।
थर्ड हम देखते हैं द एलियन अपियर्स। तो देखो क्या यहाँ पर बोला है कि अब ऐसा प्रतीत होता है, अपियर्स मतलब प्रतीत होता है, वैसे भी ये क्या है एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है तो हम यही तो पूछेंगे कि क्या प्रतीत होता है, क्या महसूस होता है, तो क्या व्हाट का आंसर हमें मिला, तो इसके बाद हमने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया टू अंडरस्टैंड, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जैसे आ रहा है तो ये क्या होगा नाउन होगा, क्लियर। तो ये भी क्या हुआ एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब अपियर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ वर्ब, है ना। ये देखो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ वर्ब के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब्स लव, ये हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं या फिर इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे क्या गिवन है, देखो शी सॉ हिम क्राई। अब ये सॉ है, सॉ हमने इसे प्रीवियस वाले उसमें पढ़ा था रूल में कि सी सॉ वॉच अगर ये हो तो इनके बाद क्या आता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई, तो ये क्या हुआ शी सॉ उसने देखा, तो हम यही तो पूछेंगे क्या देखा, तो क्राई व्हाट का आंसर मिला, तो ये क्या होगा नाउन होगा, तो ये भी क्या हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब सो। इट इज अबाउट टू रेन, अबाउट क्या है यहाँ पर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आया है ऑब्जेक्ट, तो टू प्लस रेन क्या हुआ ऑब्जेक्ट, क्लियर। आई हैव नो चॉइस बट टू लीव, अब देखो यहाँ पर ये जो बट है ये प्रपोजिशन की तरह बिहेव ना कर ये कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या होगा नाउन होगा, क्लियर है। अगर यहाँ पर ये प्रपोजिशन की तरह बिहेव करता तो केवल लीव ही आता, लेकिन ये एक कंजंक्शन है तो कंजंक्शन क्या होता है वो हम जब कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस को बैलेंस करने का काम करता है, अगर आगे भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है तो इट मीन्स पीछे भी वही चीज गिवन होगी, जैसे यहाँ पर गिवन है आई हैव नो चॉइस बट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बट आई हैव टू लीव, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से जाना पड़ेगा, तो ये क्या है सेंटेंस एकदम बैलेंस है, तो ये कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव आया है, क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो जेरन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जेरन क्या होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी अगर सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करता है वो क्या कहलाता है जेरन कहलाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, टिल देन थैंक यू बाय।